नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज वर्ल्ड आर्काइव्स डे है और आज के दिन कला केंद्र में यहां पर आप देख सकते हैं कि आर्काइव्स को यहां पर दिखाया गया है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए लोगों को ये आज आर्काइव्स को लेकर जो है अवेयर किया जा रहा है कि जो हमारी धरोहर है वो हमारी विरासत है और ये विरासत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। देखिए, वर्ल्ड आर्काइव्स डे जो है ये यूनेस्को के अंडर जो है एक डे फिक्स हुआ, 9th को हर साल हम मनाते हैं ICA के हिसाब से। और जो है वर्ल्ड आर्काइव्स डे का मतलब ये है कि हम अपना जो आर्काइवल ट्रेजर जो है, जो कि हमारे इंडिया में नॉर्थ में J&K में सबसे बड़ा ट्रेजर जो है हमारे पास है, एटलीस्ट कम से कम मिनिमम हमारे पास कोई 6 लाख जो है डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम प्रिजर्व करते हैं, मेंटेन करते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनका नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उनको हम प्रिजर्व कर रहे हैं, और साथ साथ में अपने लोगों के बीच में जो जानना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, हमारे कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, पास्ट क्या था, प्रजेंट क्या है, और फर्दर रिसर्च पर्पज़ के लिए हम लोगों को अपने जो स्कॉलर्स को उनको प्रोवाइड करते हैं, और अपने पूरी सोसाइटी को जानकारी के लिए हम ओपन रखते हैं कि कोई भी आकर हमारे रिपॉजिटरी में आकर इस चीज़ को स्टडी कर सकता है और अपने पास्ट को, कल्चर को, ट्रेडिशंस, जो हमारा पूरा एक संस्कृति है उसको पहचान सके, देख सके, यही इसका पर्पज़ है। देखिए, इसमें तो सबसे खुशी की बात यह है कि जो पुराने हमारे रिकॉर्ड हैं, जो अभी मैं देख रहा था कि जैसे 1910 में रणवीर कैनाल के ऊपर 36,50,000 रुपये का प्रोजेक्ट था उस ज़माने का, तो वो देखकर एक ये भी पता चला कि हमारे उसके बाद और भी मैंने काफ़ी यहाँ रेलवे ब्रिज का जो श्रीनगर में 1906 या 1910 के करीब रेलवे प्रोजेक्ट बना उसके बारे में, तभी ब्रिज के ऊपर कितना रुपया खर्च हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे रिकॉर्ड में जम्मू कश्मीर में बड़े पड़ी हुई हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज इन्होंने इस आर्काइव डेज़ के ऊपर आर्काइव आर्कियालॉजी एंड म्यूज़ियम J&K स्टेट गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाई है, तो ये बहुत एक खुशी की बात है, ताकि लोग जो इसका रिकॉर्ड हमारे जम्मू कश्मीर का देखें। और मैं पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी पुरानी धरोहरों और पुराने जम्मू की हिस्ट्री के बारे में ज़रूर जानें। देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जो कि रेयर हैं, जिसमें महाराजा हरि सिंह के साइन हैं, महाराजा गुलाब सिंह की डॉक्यूमेंट्स हैं, और जितना भी डोगरा पीरियड्स का, उससे पहले के पीरियड्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मिलिट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, सब यहाँ पे मौजूद हैं और लोग आके देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक कि आप अपनी हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, अपने जो पीछे गुजरी हुई दास्तान है उनको नहीं जानेंगे, आप इस स्टेट को प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे कि ये किस तरह से बनी थी और किन लोगों का इसमें योगदान है। जैसे इसमें एक डॉक्यूमेंट है कि कैसे रणबीर कैनाल बनाई गई थी। आज रणबीर कैनाल की वजह से हज़ारों कैनाल जो रकबा है उसको आपाशी में लाया गया, एग्रीकल्चर लैंड बनाया गया है, पूरा आपका RS पूरा की बासपति जो है वो इस रणबीर कैनाल की देन है, लेकिन उसके ऊपर 32 लाख रुपया खर्च हुआ था, उसके पूरे डॉक्यूमेंट हैं इसके अंदर। और ये सोचने और पढ़ने वाली चीज़ें हैं कि उसमें क्या चीज़ें थी, कैसे वो बनाई गई थी, कैसे उस वक़्त के प्लान बनते थे, 100 साल पहले लोग कैसे सोचते थे, कैसे ये चीज़ें बनी थी। प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज की फाउंडेशन जब रखी गई थी, जहाँ से कितने ग्रेजुएट निकले, कितने मतलब जम्मू का जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज से निकले हैं, तो उसकी मैं समझता हूँ कि सारी कहानी यहाँ पे दर्ज है। और यूथ को आना चाहिए, देखना चाहिए, हर आदमी को आना चाहिए। यूथ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, हम समझते हैं कि हर आदमी को आना चाहिए, रिसर्चर्स को आना चाहिए, मीडिया को आना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए कि किस तरह से ये चीज़ें तरतीब पाई थी। कोई एक जगह की हिस्ट्री आपको चाहिए तो वो यहाँ पे है, जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनकी हिस्ट्री यहाँ पे है। नहीं, होना चाहिए, ये टाइम टू टाइम होता रहना चाहिए, आज तो इसके लिए खास डे है। उसके अलावा भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ताकि आने वाली जनरेशन ये जान सके कि हमने क्या प्रिजर्व करके रखा उनके लिए और क्या क्या था,
कैसे सिस्टम चलता था पुराना। मॉडर्नाइजेशन में तो अब तो बड़ा ईजी हो गया, उस टाइम में ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने इसको प्रिजर्व करके रखा है। आज 8 जून है और आज के दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड आर्काइव्स डे मनाया जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज जम्मू के कला केंद्र में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी आज प्रदर्शनी लगाएगी। मकसद यही था कि जम्मू की यूथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़े और अपने इतिहास के बारे में जाने। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।